चलिए रुक करेंगे हरियाणा की खबरों का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई है। कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी राजनीति में आए, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि हम राजनीति से दूरी हमारी रहे तभी अच्छा है, लेकिन अब फिलहाल पूर्वी यूपी कांग्रेस का उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। कांग्रेस में पहली बार प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है एक कार्यकर्ता के रूप में। यूपी के लिए दो महासचिव बनाए गए हैं, गुलाम नबी आजाद को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनी है। तो बड़ी खबर साफ तौर पर, जिस तरह से यह कयास लगाए जा रहे थे, कई दिनों से मांग उठ रही थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस मांग को उठा रहे थे कि इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में दिखती, इसलिए प्रियंका गांधी को पार्टी में कोई ना कोई जिम्मेदारी या कोई पद देना चाहिए। लेकिन आज तक प्रियंका गांधी ने राजनीति से अपनी दूरी बनाई, भले ही वो प्रचार के दरमियान रायबरेली और अमेठी में दिखती थी, कांग्रेस के लिए प्रचार करती थी, स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार में जाती थी, लेकिन उनकी कभी पार्टी में कोई भागीदारी तय नहीं हुई थी। लेकिन यह बड़ी खबर है साफ तौर पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की महासचिव बनी है, यूपी में प्रभारी भी बन गई है, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार को संभालेंगी। किस तरह से क्या राजनीतिक बदलाव होंगे, क्या समीकरण बदलेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी आने की वजह से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, यह साफ तौर पर हरियाणा का प्रभारी जो है वो नियुक्त हो गया है, गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस का हरियाणा प्रभारी बनाया गया है। तो साफ तौर पर ये अब जो है नए नए फेरबदल जो कांग्रेस में हो रहे, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सक्रियता इससे बढ़ेगी या फायदा होगा, क्या कुछ होगा वो तो समीकरण बताएंगे, जनता तय करेगी कि इस पर कितना विश्वास जताएंगे। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी मांग उठ रही थी, कई जगह पोस्टर बैनर भी देखने को मिलते थे कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी को कमान देनी चाहिए, राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय बताई जा रही थी प्रियंका गांधी। प्रदीप हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रदीप साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब प्रियंका गांधी के आने से क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुई है कांग्रेस पार्टी संगठन में, अभी तक वो पर्दे के पीछे से काम करती थी, रायबरेली अमेठी जो संसदीय क्षेत्र, यानी रायबरेली उनकी माँ का संसदीय क्षेत्र है सोनिया गांधी का, इसके अलावा अमेठी उनके भाई राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर वो सक्रिय रही है और लगातार जब जब चर्चा चलती थी कि क्या उनको सक्रिय राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री मिलेगी संगठन में, उसको विराम देते हुए पार्टी नजर आती थी। लेकिन अब राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए हैं, उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है, लिहाजा अब यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लाया गया उत्तर प्रदेश में, वो यूपी ईस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगी प्रभार के तौर पर। तो ये आप कह सकते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच का जोड़ हुआ है उत्तर प्रदेश में, जोन में बांटकर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार तय करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्ट यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, उनको पार्टी में उसके ऊपर भाषण करेंगे। थैंक यू बड़ी खबर। प्रदीप जी, एक सवाल आता है यहाँ, साफ तौर पर देखा जाए तो सोनिया गांधी जैसे कि अपने आप कह रहे थे कि हम चुनाव में संन्यास भी लेंगे, तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से दावेदारी ठोक सकती हैं सोनिया गांधी की जगह? देखिए, बिल्कुल ये लगातार चर्चाएं चल रही है कि क्या ये संभावना है चुनाव को लेकर, और तब तक पार्टी इसको नकारती रही है, लेकिन अब सीधे तौर पर पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ दिख रही है कि वो अपने मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में। प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज, और जिस तरीके से प्रियंका को लेकर जो राजनीतिक अब समीकरण यहाँ पर साधे जाने की कोशिश की जा रही है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दिखा पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गठबंधन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बीएसपी का हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये कहा गया कि वो संगठन उसका कमजोर है, बड़े चेहरे बुलाने की जरूरत है, प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उत्तर प्रदेश देश का प्रभारी उनको बनाया गया है, मैं इसकी जिम्मेदारी युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो अब ये साफ हो रहा है तस्वीर कि आप कांग्रेस अपने बड़े चेहरों पर दाव लगाएगी उत्तर प्रदेश में, यानी जो कमजोरी है उसको दूर करेगी, जो सेलिब्रिटीज चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनको मैदान में उतार कर, और शायद यही एक रणनीति का बड़ा हिस्सा आप कांग्रेस का निकल कर रहा है। प्रियंका को सीधे तौर पर महासचिव बनाकर संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, और इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर उनकी ये महत्वपूर्ण नियुक्ति काफी कुछ बयान करती है पार्टी के अंदर। निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष थे पार्टी के अंदर, तब उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए ये यदा कदा मांग उठती थी, लेकिन उसको पार्टी नकार देती थी। अब जब यहाँ पर राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है, वो अध्यक्ष है, उन्होंने ये नियुक्ति की है, तब सीधे तौर पर लग रहा है कि अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावी लड़ाई में यहाँ पर रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण
संगठन के नेता के तौर पर, महासचिव के तौर पर अपनी भूमिका को निभाएंगे और ये एक बड़ा बदलाव बताया जा रहा है पार्टी में। चलिए प्रदीप, आपको रोकना चाहेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आप, हम सुनाते हैं कि मोतीलाल वोरा ने क्या कुछ कहा है। अच्छा, तो फिलहाल बयान में। चलिए प्रदीप जी, एक सवाल और अहम हो जाता है जिस तरह से आवाज मिल पा रही प्रदीप जी आपको। प्रदीप जी आवाज मिल पा रही आपको? तो चलिए, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश पूर्वी का जो है वो महासचिव भी बनाया गया है और जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है गुलाम नबी आजाद को। साफ तौर पर कांग्रेस में ये फेरबदल और साफ तौर पर प्रियंका गांधी को ये पद देना साफ तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर से भी मांग उठती रही, कई जगह पोस्टर बैनर को भी ऐसे ढंग से लगाया गया था, ऐसे ढंग से बनाया गया था कि प्रियंका गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाना चाहिए, उसके बाद ही पार्टी अग्रसर होगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी, उसके बाद ये लगातार मांग उठती रही कि प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी तो हो सकता है परिवर्तन की बयार बहेगी। तो ये हम दिखा रहे थे आपको, अमेठी से कार्यकर्ता थे जो कह रहे थे कि अब प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी का बनना तय है, या तो उत्साह कहे या कुछ कहे, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी को लेकर उत्साह जरूर है। प्रदीप हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, साफ तौर पर देखा जाए तो एक सवाल यहां अहम और हो जाता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2012 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन करके कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, तो राहुल गांधी ने वहां एक बात कही थी कि हमको कम ना आका जाए, तो क्या ये तुरुक का पत्ता इसीलिए खेला गया है कि हमको कम मत आके हमारे प्रियंका गांधी भी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बड़ा बदलाव ये कहा जा रहा है और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदारी मिली है, संगठन में मनोबल बढ़ेगा। ये श्री प्रकाश जायसवाल जो पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रहे, उन्होंने कहा है। इसके अलावा इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं मोतीलाल वोरा जी। वोरा जी से जानना चाहेंगे, वोरा जी, इस नियुक्ति का क्या प्रभाव आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को लाया गया? प्रियंका गांधी जी की महासचिव पद पर नियुक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। खबर ही नहीं, इस बात की पुष्टि करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ठीक समय पर सही निर्णय लेकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम यूपी में दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी तक तो प्रियंका गांधी जी रायबरेली और अमेठी क्षेत्र को लोकसभा के चुनाव के समय में देखा करती थी, अब वे पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव देखेंगी। लोगों में जोश आया है, आज तो खबर सुनते ही लोगों में जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि लोगों ने बहुत स्वागत किया है और हम भी स्वागत करते हैं कि वे अपने इस मिशन में पूरी तरह से सफल होंगी। लेकिन वोरा जी, ये कहा जा रहा है कि काफी देर से ये नियुक्ति हुई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ठीक समय पे नियुक्ति हुई है, लेकिन इस नियुक्ति का क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लंबे समय से मांग हो रही थी कि उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जाए। क्या अब चुनौती नहीं है राहुल के सामने, वो अध्यक्ष है इसलिए उनको लाया गया, उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नहीं था आपके पास? राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगे। जो गठबंधन में जो दल शामिल थे उनको उनका कहा कि ये उनका अपना निर्णय है, हम वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, लेकिन हम दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी की महासचिव पद पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नियुक्ति इस बात का संकेत है कि लोगों में उनके प्रति अपार श्रद्धा है, प्रेम है,
और लोगों में जोश उत्पन्न हुआ है। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से कह रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा की जीती कांग्रेस के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी, लेकिन एक सवाल यहाँ है, क्या चुनाव में भागीदारी होगी? सवाल दोहराएंगे अपना, चुनाव में क्या भागीदारी होगी इनकी? कहीं से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी? क्या अभी क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी लोकसभा का? ये एक सवाल स्टूडियो से आज हम नहीं कह सकते। लोकसभा के चुनाव की तो अभी तैयारी करनी है और लोकसभा में जब उम्मीदवारों का तय होगा उस वक्त ही कोई बात पर विचार हो सकता है, लेकिन आज इसके बारे में मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। बस इतना ही कह रहे हैं मोतीलाल वोरा कि इस वक्त नियुक्ति हुई है और आगे देखना होगा, लेकिन एक बड़ी नियुक्ति बता रहे हैं मोतीलाल वोरा। अरे क्या तो साफ तौर पर कांग्रेस ने तुरुकपत्ता कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अपने अपना दांव खेला है एक तरह से प्रियंका गांधी को साथ लगा, क्योंकि 2014 के बाद से प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही थी। कार्यकर्ता जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे थे, खासकर इलाहाबाद में देखा जाए तो इलाहाबाद में कई सारे पोस्टर लग रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस जगह जगह तो गुलाम नबी आजाद को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार अपने परिवार के लिए करने जा रही, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का सम्मिलित होना विपक्ष भी ऐसे सवाल खड़े कर सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार शुरुआती दौर से वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं, तो एक बार प्रियंका गांधी का पार्टी में आना, और वंशवाद से बचने के लिए ही प्रियंका गांधी ने पहले पार्टी में आने से मना किया था कि पार्टी में ना रहकर, पार्टी किसी पद पर कार्यकर्ता पद पर एक ना रहकर हम सिर्फ प्रचार रायबरेली अमेठी के लिए करेंगे, और जो ऐसा करती भी थी लोकसभा चुनाव के दरमियान वो रायबरेली और अमेठी में दिखाई देती थी और वोट मांगती थी। लेकिन साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी जिम्मेदारी हो गई है, पार्टी में उनकी भागीदारी हो गई, तो साफ तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला लोकसभा चुनाव जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी उन्हें बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है, क्या कुछ रंग बदलता है, कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा कैसा रहता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।